हवामान विभाग की आगाही अनुसार आज में 24 कलाक में वरसाद पड़वानी जे शक्यताओं रहेली छे। सौराष्ट्र और कच्छ में भारे वरसाद पण पड़ी शके छे, त्यारे आवतीकाले पण छूटाछवाया वरसादनी संभावना रहेली छे। त्यारे उत्तर गुजरात होय के पछी मध्य गुजरात होय तेमां सामान्य वरसादनी संभावना रहेली छे। ज्यारे नवसारी, डांग, तापी, नर्मदा अने भरूचमां भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। तो बीजी बाजु अमरेली, भावनगर अने राजकोटमां पण 24 कलाकमां हजु पण भारे वरसाद पड़ी शके छे। त्यारे अमदावादमां पण सामान्य वरसादनी संभावना छे। में जो बारिश लगातार हो रहा है, बिन धैर्य भी एक्सट्रीमली हेवी रेन भी हो रहा है। अभी अगले 24 आवर्स के लिए गुजरात रीजन में, इवन सौराष्ट्र कच्छ में एक आध जगह में हेवी टू धैर्य भी होने का संभावना है, हेवी टू धैर्य भी रेनफॉल होने का संभावना है, और कहीं कहीं जगहों में आइसोलेटेड हेवी रेन भी हो सकता है। लेकिन पूरे गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ को लाइट टू मॉडरेट रेन होने का साथ साथ हेवी और वेरी हेवी रेन होने का भी संभावना है। और डे टू यानी कल 1 जुलाई को भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेन होने का संभावना है गुजरात रीजन में। और सौराष्ट्र कच्छ में कल से मोस्टली रेनफॉल एक्टिविटी कम होने का संभावना है, लेकिन एक आध जगह में हेवी रेन हो सकता है। परसों से ड्रास्टिक रिडक्शन रहेगा रेनफॉल एक्टिविटी में, यानी 2 जुलाई से सब्सटेंशियल रिडक्शन रहेगा, बारिश बहुत कम हो जाएगा, हार्डली लाइट टू मॉडरेट रेन आपको मिल सकता है, पूरे गुजरात को मिल सकता है। नॉर्थ गुजरात और कच्छ में काफ़ी बारिश कम हो जाएगा, परसों से फर्दर कम हो जाएगा। अहमदाबाद में बारिश ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है, लेकिन शाम को 1-2 से भी ज़्यादा हो सकता है लाइट टू मॉडरेट रेन मोस्टली। इवन पोरबंदर में हो सकता है और गिर सोमनाथ दीव में हेवी टू वेरी भी हो सकता है, लेकिन हेवी रेन भी रूल्ड आउट नहीं है। भावनगर, अमरेली, इवन जूनागढ़, राजकोट में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेन होने का संभावना। गुजरात में आगामी 4 दिवस भारे अति भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। मॉनसून ट्रफ